करते हैं स्टार्ट। तो ये 8, 16, 24, 32 खेल रही है। चलिए एक और गेम यहाँ पे स्टार्ट। यहाँ को वैनिटी, यहाँ पे वंश के NG2। भाई पहला गेम उनको देखा है कि आरएन ने यहाँ पे जीती थी, फिर ब्राजील की टीम ने कमबैक किया था। क्या एनजी यहाँ से कमबैक कर सकती है? साइफर बिल्कुल थोड़ा सा क्लोज आते हुए, साइफर भी थोड़ा और आगे। ओके प्लेयर ने स्पॉट कर लिया है और साइफर ने भी देख लिया। यहाँ पे तगारो स्टिल कहीं के पीछे है। अयान नीचे प्लेयर को देखा बट बॉल वहां पे लगाई। चलिए बॉस की तरफ से प्लेयर को देखेंगे। धीरे धीरे NG2 यहाँ पे क्या रश वाली स्ट्रेटजी के साथ कमबैक करना चाह रहे हैं। वंश भी पहुंच गया बट बनी वहां पे नॉक। जी हाँ, बनी नॉक और वंश भी नॉक। साइपर का एक शॉट, पहला राउंड कहीं ना कहीं मैन एडवांटेज NG2 के पास है जरूर यहाँ पे, बट नहीं अब यहाँ पे। जी हाँ, 2v2 यहाँ पे फाइट। वैनिटी को, वैनिटी को, एक और प्लेयर को वैनिटी ने नॉक कर दिया। जी हाँ, ऑलमोस्ट यहाँ पे गेम निकाल दिया है। पहला राउंड यहाँ पे ऑलमोस्ट निकाल दिया 1v2 टगारू के लिए। क्या टगारू 1v2 यहाँ पे करेंगे, प्लेयर को डैमेज यहाँ पे दिया जरूर है। ओके एक प्लेयर को नॉक भी किया है, क्या वो रिवाइव दे पाएंगे? बट बोथ पोजीशन से आई थिंक मेरे को लग रहा है ओ ये गेम चेंज हो सकता है, क्योंकि वो रिवाइव नहीं दे सकते और बैटल अब रहेगा 1v2। ओके वैनिटी आया, वैनिटी आया बट, और वैनिटी ने हाथ को नॉक किया है। टगारू ये फाइट यहाँ पे निकालते हुए ट्रिपल किल फर्स्ट राउंड में यहाँ पे टगारू का। और यार देखो फुल मैप में नो डाउट अपने सर्वर से अगर तुम देखो EFF बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है पिछले टूर्नामेंट, पिछले 2-3 टूर्नामेंट से। और BD से बात की जाए तो मेरे को लग रहा है वो NL ने भी एक बार अच्छा किया था RNA में, तो उन दोनों में फाइट रहेगी यहाँ पे। और अगर CS की बात की जाए तो CS आई थिंक CS का तो अब देखना पड़ेगा BD की 5 टीम में कौन कैसा खेलेगी। मेरे को लग रहा है HC भी अच्छा खेलती है बट NL भी कमाल खेल रही है। और तीन प्लेयर नॉक बोथ ऑफ मिशेल के, बढ़िया खेल है प्लेयर। बाकी इंडिया से देखा जाए तो भाई इंडिया से स्टार्टिंग के टूर्नामेंट देखो नोटा को भी चोट लगी, अगर नोटा का एक अलग स्क्वाड NG नेपाल भी ले लेते हैं, उसके बाद में स्क्वाड भी मेरे को नजर नहीं आती है। और विजार्ड यहाँ पे नॉक, चलिए विजार्ड यहाँ पे नॉक हुआ। यान सामने पड़ा यान, वहां पे वो डबल फिनिश वहां पे निकालते हुए साइफर नॉक हुए और एक और फिनिश यहाँ पे यान का। देखो यान अगर इसे स्क्वाड में चल जाता है तो हमें पता है भाई ये। और इस बार शुरुआत NG की कहने के काफी जबरदस्त, और बोस ने भी ऐसी शुरुआत की थी, 4-0 किया था। अब देखते हैं कि NG भी यहाँ पे 4-0 कर गया आगे बढ़ते हुए। और पहले राउंड में टगारू देखे, इस राउंड में हम लोगों ने यान देखे, तो फिनिशेस यहाँ पे प्लेयर्स के आ रहे हैं। और याद पहला नॉक यहाँ पे निकालते हुए, जी हाँ रश यहाँ पे किया जाएगा। यान के सामने भी प्लेयर है बट इस बार बेखौफ होके टीम यहाँ पे रश करते हुए नजर आ रही है। प्लेयर को रिवाइव मिला जरूर है, बड़ा यान यहाँ पे नॉक हुए और MP40 से नॉक किया, दो प्लेयर को वहां पे नॉक कर दिया। जी हाँ याद ने भी एक प्लेयर को नॉक, बट याद भी नॉक, तगारू अकेले प्लेयर और उसको भी फिनिश। और क्वाड्रा यहाँ पे मारते हुए इस बार विजर्ड स्क्वाड में। अब देखते हैं यहाँ से यान को देखते हैं, क्लच मार दो तो और भी ज्यादा यहाँ पे वाइब नजर आते हैं। तो ये भी यान चार फिनिश, तगारू भी यहाँ पे चार, यान आगे बढ़ते हुए, तगारू ने चार फिनिश किए हैं, साइफर दो फिनिश। देखना पड़ेगा किधर से यहाँ पे मूव कर रहे हैं बोस ऑफिशियल सारे प्लेयर्स। जी हाँ विजर्ड बिल्कुल आगे और वहां पे आई थिंक विजर्ड थे बट वैनिटी ने नॉक किया उनको। जी अगर देखा जाए वहां पे वैनिटी ने नॉक किया, तीन ही प्लेयर बचे हैं, तगारू पीछे अकेले प्लेयर थे। ओके अब प्लेयर्स आगे बढ़ते हुए, चलिए क्या नॉक निकाल पाएंगे यहाँ पे, क्या कनेक्शन बन पाएगा यान का। साइफर थोड़ा सा आगे जरूर है बोस ऑफिशियल की बात की जाए। जी हाँ पंच यहाँ पे आगे जा रहे हैं, विजर्ड और भी वहां पे आगे हैं। क्या लेफ्ट से कोई एंट्री करेगा और एंट्री वहां पे की और नॉक भी वहां पे दिलाए। बढ़िया को देखना पड़ेगा नीचे वाले प्लेयर को बट नहीं वहां पे नॉक कर पाए। विजर्ड एक और प्लेयर को नीचे से वहां पे फिनिश किया भाई, नो डाउट डिगल अच्छी चला रहे हैं और कमबैक यहां पे होता हुआ बोस ऑफिशियल का मैच। तो हमारी स्ट्रीम जो है भाई देखो आज है, कल भी स्ट्रीम होने वाली है डे 2 की और फिर 27 में होने वाली है। मैं आपको डेट कर दूंगा, कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगा डेट्स। ओके एक और गेम यहां पे स्टार्ट होता हुआ बोस ऑफिशियल की बात की जाए। भाई कहीं ना कहीं फ्लैंक एकदम से सही ले रहे हैं, बहुत बिल्कुल राइट से यहाँ पे प्लेयर चले जा रहे हैं, बिल्कुल पीछे आ गए हैं जहां से टीम आई है। भाई एक तरफ से ये कुछ अलग ही स्ट्रेटजी नजर आ रही है मेरे को और स्टडी राउंड बाय राउंड। ओके वंश की बात की जाए पीछे हैं, पनी यहाँ पे G2 के लिए
के टगारू 4 फिनिश, साइफर की बात की जाए साइफर भी 2 फिनिश कर चुके हैं। और यार मैं बोल रहा हूँ ना, कहने की अपने इंडियन सर्वर से ना बाकी सब्यूटर भी भाई बहुत अच्छे अच्छे टीम बना पर मेरा बहुत टैलेंटेड पीसी प्लेयर है, बहुत अच्छे अच्छे पीसी प्लेयर है, एक अलग ही लेवल का कंपटीशन बन सकता है। ओके चलिए याद पीछे है, देखना पड़ेगा क्या होगा, कोई डिफरेंट की स्ट्रेटजी नजर आ रही है यहाँ पे बॉस की, पीछे की तरफ यहाँ पे फायर कर सभी को वंश बनी, विजार्ड जोन बिल्कुल यहाँ पे लेफ्ट में गए, विजार्ड पहले यहाँ पे मूव करते हुए बॉस ऑफिशियल की तरफ से काफी सही इनिशिएटिव, जी हाँ बिल्कुल तुरंत ही यहाँ पे, और एनजी 2 भी ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुंच गई है यहाँ पे, एक बॉल लगा दी है, 2 प्लेयर्स वहां पे हैं जरूर, जी हाँ 2 प्लेयर हैं, डैमेज यहाँ पे दिया है बड़े, यान नॉक हो गए वहां पे, जी हाँ यान वहां पे नॉक हुए, साइफर और डैमेज दिया है बट नहीं 3 प्लेयर नॉक, टगारू अकेले प्लेयर, टगारू के लिए यहाँ पे 1v2 यहाँ पे, जी हाँ टगारू 1v2, टगारू एक प्लेयर को नॉक, 1v1 बट टगारू जोन में आई थिंक वहां पे नॉक हुए, बात की जाए 2 फिनिश वंस ने 3 निकाले विजार्ड की बात की जाए नो। और नेक्स्ट गेम गाइस यहां पे होने वाला है पाक इंपोर्ट्स वर्सेस एनएल, के वंश रिजुक्सो के टीम के पास था, रिजुक्सो की ही टीम यहां पे थी बट वो कहीं ना कहीं अवेलेबल हो ही नहीं पाएंगे यहां पे टूर्नामेंट के दौरान। चलिए लेट्स सी गाइस क्या होगा, यार बहुत सोच समझ के खेलना है, एक एक मिस्टेक यहाँ पे कैसे भी टीम के लिए खतरा थ्रेट यहाँ पे बन सकती है, एक एक राउंड छोटी से छोटी मिस्टेक पे ध्यान देना पड़ेगा टीमों को, कोई प्रैक्टिस मैच नहीं है, बिल्कुल डू और डाई है, हारते हो तो भाई टूर्नामेंट से बाहर। चलिए ओके 2 फिनिश साइफर की बात की जाए, साइफर ने भी 2 फिनिश निकाले हैं, टगारू यहाँ पे 4 फिनिश, यवी को भेंगो, भेंगो और टगारू पहला नॉक निकालते हुए, यहाँ पहला नॉक यहाँ पे आया बट स्टिल अयान ने पिछले वाले प्लेयर को नॉक, और टगारू एक और यहाँ पे रेड लगाते हुए, जी हाँ फिर से एनजी लीड पे आ सकती है और फिनिश करते हुए याद लास्ट प्लेयर को, चलिए 4-3 यहाँ पे इसको बढ़ते हैं एक और गेम की तरफ, वैनिटी 2 फिनिश वंस की बात की जाए 3 और यहाँ पे कर चुके हैं 9 फिनिश, 7 राउंड के अंदर ये बंदा टॉप स्कोरर है, 9 फिनिश निकाल चुका है, और हम लोगों ने देखा भी है भाई अभी एक क्वाड्रा भी बचने लगा है, वो लगा दिया है, पीछे निकलना चाहेंगे यहाँ पे प्लेयर, क्या यहाँ पे रश किया जा रहा है एनजी 2 की तरफ से, क्या एग्रेसिव हो रहे हैं वो, जी हाँ कहीं के चारों प्लेयर एक साथ नजर आ रहे हैं भाई चारों प्लेयर, ये क्या बिल्कुल ओके बट साइफर नॉक हुए, जी हाँ साइफर नॉक हुए, सामने वाली टीम स्टिल कहीं के बच गई है, क्या जंप करके प्लेयर जाएंगे वहां पे, प्लेयर आए हैं यहाँ पे, प्लेयर आए हैं बट नहीं टगारू को नॉक कर दिया, और याद भी नॉक हो गए वहां पे, ये रश कहने के महंगा यहाँ पे पड़ता हुआ, अब अकेले प्लेयर यहाँ पे अयान बचे, एक बार फिर से स्कोर यहाँ पे बराबर हो जाएगा, क्योंकि यार 1v4 है, 1v4 निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल, और रे भाई ये बैक टू बैक स्प्रेज में वहां पे अयान फिनिश करते हुए बट स्टिल 1v2 अयान के लिए, डैमेज भी ज्यादा नहीं हुए वहां पे, क्या यहाँ एक क्वाड्रा लगा सकते हैं यहाँ पे, और ये क्लच क्या कर पाएंगे विजार्ड, उनके स्ट्रॉन्ग प्लेयर बचे हैं बॉस ऑफिशियल के अभी, जी हाँ बॉस ऑफिशियल से स्ट्रॉन्ग प्लेयर यहाँ पे, चलिए 1v2 अयान, वैनिटी है यहाँ पे, विजार्ड है, यान चांस यहाँ पे लेंगे और फिनिश यहाँ पे करते हुए 4 ऑल यहाँ पे इसको। साथ द गेमर वेलकम टू एनजीआरबी मेरे भाई, ओ बॉस ऑफिशियल के 2-3 प्लेयर यहाँ पे, ए भाई सीधा ही अटैक और टगारू ट्रिपल किल, टूर्नामेंट से क्वालीफायर्स में ही बाहर हो जाते हैं, तो ओके 3 फिनिश यहाँ पे साइफर, याद की बात की जाए याद भी 3 फिनिश, यार 9 फिनिश यहाँ पे कर चुके हैं, प्लेयर को देखा जरूर है बट टगारू को मैं देखना चाहूंगा एक बार, जुबेर गेमिंग द गिवर 20 रुपीज 27 से NXT खेलेगी, NXT का मैच 27 को है, डे 3 पे, देखो तीनों दिन अलग अलग टीम खेलेगी, आज 8 की 8 टीमें अलग होगी, कल 8 की 8 अलग होंगी, 27 में 8 की 8 टीमें अलग होंगी, 24 में से फिर हमारे हमको 12 टीमें मिल जाएंगी, फिर अगला राउंड होगा, अगला राउंड 2 दिन में खत्म हो जाएगा, वहां पे हमारे पास आ जाएंगी फिर 12 में से 6 टीमें और 2 नॉकआउट, 2 यहां पे सुपर 8 से टीमें, फिर 8 टीम के बीच में सुपर 8 होगा जो कि 7 दिन चलेगा,
और फिर उसके बाद में सेमी है, फिर उसके बाद में फाइनल है। तो फॉर्मेट इजी है, पुराने वाला ही है, कुछ भी चेंजेस ऐसा नहीं है। जो पिछले टूर्नामेंट में था वही फॉर्मेट है, बस इस बार थोड़े से क्वालिफायर्स एक्स्ट्रा हुए आठ टीमों के बीच। ओके भाई ये राउंड क्या लगता है, क्या बॉस निकाल लेगी यहाँ पे फिर से? बनी भी यहाँ पे आगे आते हुए, बॉस की देखा जाए तो वो कहीं घूम के बिल्कुल पीछे आ जा रहे हैं, ये तरीका यानी कि सही भी है। ओके साइफर ने नॉक निकाला बट साइफर भी नॉक, ओके अयान ने भी नॉक दिया, बॉस ऑफिशियल दो प्लेयर यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। क्या मैच पॉइंट पे एनजी टू जा सकती है? वंश आगे बढ़ रहे हैं और बट नहीं, टगारू कहने के पहले ध्यान करके बैठे थे कि इधर से प्लेयर आएगा। साहिल थैंक यू फॉर 20 रुपीस सुपर चैट। और अब कहने के बनी यहाँ पे अकेले प्लेयर बचे हैं 1v4 बनी के लिए, यभी को बनी और अयान यहाँ पे फिनिश करते हुए एनजी टू यहाँ पे गाइस मैच पॉइंट पे आ चुकी है। क्या ना कि गेम में इतनी सारी चीजें आती है ना कि कुछ टीमों के लिए कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लाइक तुम स्किल करते रहो, गेम में कुछ ना कुछ चेंज आता रहेगा। कभी तुम अगर शॉटगन अच्छी चला रहे हो तो वो नर्फ कर दी जाएगी, मतलब उसका कभी ये कम कर दिया जाएगा, कभी उसका ज्यादा। एज अ नॉर्मल प्लेयर, और अगर टूर्नामेंट की बात की जाए तो जितने भी तुम लोग एज अ नॉर्मल खेलते होंगे तो भाई तुम पे रैंक भी हो गया कि कभी तुम्हारी शॉटगन अच्छी चल रही है, कभी तुम उस गन से अच्छा खेल रहे हो, कभी उस गन से। और टूर्नामेंट में देखा जाएगा तो टूर्नामेंट में भैया स्किल भाई बिल्कुल बंद, स्किल भी बंद और गन प्रॉपर्टी तो खैर पहले ही ऑफ है उसमें, और बाकी चीज़ें थोड़ी थोड़ी चीज़ें ये तो आनी चाहिए जैसे गेम में, और थोड़ी चीज़ें हैं कि ये ड्रोन हो गया, ये हो गया, बट ये भी कुछ ज़्यादा नहीं। ओके दो प्ले नॉक, कमबैक आ रहा है यहाँ पे बोस ऑफिशियल का। जैसे अभी के टाइम में एक बड़ी चीज वही लगता है कि यार अगर कोई नया बंदा भी आता है तो फाल को उसके लिए गेम फ्री नहीं है, तो वो अभी तक के फाइट कैसे करेगा अगर एक नया बंदा फ्री का यूज कर रहा है। पहले तो स्टार्टिंग में बोट लोग भी आगे मान लिया, ठीक है वहाँ पे अच्छे खेल कर लिया, बंदे का मूड बन गया कि भाई बंदे लग रहा है मैं बहुत अच्छा मार रहा हूँ चलो खेलते हैं। फिर उसके बाद में कंपटीटर में घुसेगा तो उसको पता चलेगा भाई यहाँ पे तो सारी चीज़ें तो चलेगी बड़ी, सारी चीज़ें चाहिए ऐसे कि स्पोर्ट्स प्लेयर बनने के लिए भी, तो वो सारी चीज़ें मैं चाहूंगा कि कोई एक भी रूपा ना दे और स्पोर्ट्स खेल सके। ओहो यार अकेले प्लेयर बचे हैं 1v3 और विज़ार्ड एक बार फिर से यार टीम को जरूरत थी, डबल डिजिट में एंट्री मारी है यान भी चले हैं यहाँ पे। जी हाँ टगारू है यार 9 फिनिश 10 फिनिश। चलिए ये बॉस ऑफिशियल के प्लेयर्स चारों प्लेयर बिल्कुल राइट हैंड साइड में, के चारों प्लेयर राइट में, और एनजी की बात की जाए तो ये प्लेयर ओ बट अब स्पॉट कर लेंगे शायद, शायद यहाँ पे साइफर उस तरफ जा रहे हैं। जी हाँ साइफर उस तरफ जा जरूर है, प्लेयर घूम रहे हैं बट क्या लोकेशन, कौन सी टीम को किस टीम की लोकेशन पहले पता चलेगी। ये प्लेयर्स बिल्कुल राइट में यहाँ पे आते हुए बॉस ऑफिशियल से एनजी टू पूरा घूम गोल चक्कर लग रहा है भाई, एनजी टू का भी और बॉस का भी दोनों टीमों का। ये अब इधर से घूम रहे हैं, वो टीम उधर चली गई है, गोल चक्कर चल रहा है अभी तो। 6-5 गाइस सारे भाइयों लाइक कर लेना है, लेट्स गो फॉर 15k लाइक्स। जिसने भी स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो भाई सारे भाइयों को लाइक वाला बटन है ना भाई दबा दो उसको। ओके वैनिटी, ओके वैनिटी भाई हेडशॉट अगर यहां से याद को नॉक करते तो रिवाइवल के चांसेस मुश्किल हो जाते क्योंकि तीनों प्लेयर उनके बिल्कुल अलग जगह पे हैं। याद के ऊपर भी एक बड़ा यहां पे बड़ा वो रहने वाला है, बट साइफर अभी ज्वाइन करते हुए प्लेयर पीछे आ चुके हैं भाई। ये क्या इंटेंस गेम चल रहा है भाई, फुल इंटेंस यहां पे। ओके बॉल ब्रेक की गई है भाई 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 भाई, ये क्या होने वाला है भाई, ऐसे ही मैचेस चाहिए टूर्नामेंट, टूर्नामेंट में प्रिपरेशन दिखी है हर टीम की, इस तरीके से बॉस ऑफिशियल ने गेम दिखाया यहाँ पे। ओके प्लेयर राइट जाते हुए जोन बिल्कुल राइट गया, पहले कैप्चर करना चाहते हैं, जी हाँ पहले कैप्चर करना चाहते हैं और दो प्लेयर आ भी गए, दो प्लेयर्स उधर से आ भी गए, साइफर बिल्कुल पीछे करने वो लगाया बट साइफर नॉक हो सकते हैं वहां पे। जी हाँ साइफर अयान नॉक दोनों तरफ से, एक एक प्लेयर नॉक, टगारू भी वहां पे नॉक, और अब यहाँ पे याद बचे हैं 2v2 का बैटल, याद भी नॉक हो सकते हैं और बॉस ऑफिशियल मैच पॉइंट पे आ चुकी है भाई। क्या कमबैक यहाँ पे किया है, सोच समझ के यहाँ पे खेला जा रहा था दोनों टीमों से। ओके अब देखते हैं, मुझे लग रहा है चारों प्लेयर क्या रश की स्ट्रेटेजी में लग रहा है मेरे को एनजीडू, उनको वही है कि यार अगर हम लोग यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी रस वाली है उससे जब जब खेले हैं राउंड काफी निकाले हैं वो स्ट्रेटेजी लगी है, बट अब थोड़ा सा रुक गए यहाँ पे। जी हाँ थोड़ा सा रुके जरूर है,
ओके पीछे भी देखना चाहते हैं बोस ऑफिशियल से। ओके वेनिटे बिल्कुल राइट हैंड साइड है, बाकी तीन प्लेयर बनी यहाँ पे पीछे है। विजार्ड की बात की जाए वो वेट कर रहे हैं, बोस ऑफिशियल बिल्कुल पेशेंस काम यहाँ पे नजर आ रही है। ओके वेनिटी 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 पीछे आएंगे, इधर से बॉल ब्रेक की जा रही है, एक प्लेयर को पीछे देखा जरूर है बॉल पे वेनिटी को। जी हाँ वेनिटी को देखा है भाई, क्या सस्पेंस बन रहा है ब्रो भाई। NG2 या बॉस ऑफिशियल, NG2 भारतीय तो कहने के दिल जरूर टूटने वाले यहाँ पे क्वालिफायर्स में बाहर। बिल्कुल क्लोज आ चुके हैं, साइफर है वहां पे, एक प्लेयर वेनिटी नॉक हुए, बॉस ऑफिशियल दो प्लेयर वहां पे नॉक, वेनिटी भी नॉक, विजर्ड अकेले प्लेयर बचे हैं, बट विजर्ड 14 फिनिश है, क्या क्लच यहाँ पे कर पाएंगे 1v4 है विजर्ड के लिए। ओके ये अभी को डीगल काफी जबरदस्त चला रहे हैं डिवाइड, बट यहाँ पे NG2 यहाँ पे इस गेम को निकालते हुए 7-6 से अपने नाम लास्ट गेम करते हुए, और ये इज द